मकसद में मौजूद हूँ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में। आज एक रोज़ा यहाँ पे जॉब फेयर मुनक़िद की है, तो यहाँ पे हमारे साथ एक तालिबे इल्म मौजूद थे जो यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है हैंडक्राफ्ट का, इसके बारे में हम उनसे पूछते हैं। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है और मैं यहाँ पे 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। तो हमने यहाँ पे जो हमारे जहाँ के लोग जो गरीब लोग हाथ से बनाते हैं वो वाला सामान हमने बेचने के लिए यहाँ पे आए हैं और हमने वहाँ से लेके आए हैं स्पेशल ताकि हमारी सकाफत यहाँ पे दिखाई जाए। ये देखें, ये बिल्कुल ये टोकरी है, ये हाथ से बनी हुई बिल्कुल बड़ी यूनिक तरीके से। ये टोपी आप देख सकते हैं, ये इसमें कितनी बारीकी से काम किया गया है। और ये पंखे हैं और बस डिफरेंट हम यहाँ पे अपनी सकाफत शो करना चाहते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। एक दिन में बिकना क्या है, बस अपनी सकाफत दिखाना चाह रहे थे। शुक्रिया। आप इसका क्या कीमत रखा हुआ? इसका कीमत ऐसे है कि ये जो पंखा है ये असल में बड़ी मेहनत से बनता है, हाथ से बना हुआ पंखा है। ये हम सिर्फ 300 रुपये में दे रहे हैं बस इसलिए कि हमारी सकाफत शो हो जाए बाहर। बाकी इसके पैसे तो अब पूरे नहीं हो सकते, वो कोई मसला नहीं है। साथ ही टोकरी है ये सिर्फ 150 रुपये में, ये बिल्कुल हाथ से बनी हुई, आप देखेंगे खजूर के जो पत्ते होते हैं ये उनसे बनी हुई है और बड़ी मेहनत से बुजुर्ग लोग ये बनाते हैं। अभी तो इनका बनाने का तरीका भी लोगों को इतना ज़्यादा नहीं आता। और ये टोपी देखें, ये खजूर के पत्तों से ये भी बनी हुई है और कितनी बारीकी से काम हुआ गया। अगर आप इसको थोड़ा सा करीब से देखेंगे तो बहुत बारीकी से, मतलब आपने जो यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है वो सारा हैंडक्राफ्ट है, जो हाथ से बनी सारा हैंडक्राफ्ट है। एक एक चीज़ डिफरेंट चीज़ें हैं, बैग्स भी हैं हैंडक्राफ्टेड, हमारे पास जैकेट्स हैं वहाँ पे खड़ी हुई हैंडक्राफ्टेड, वो बुनी हुई जैकेट्स हैं हमारे पास, सब कुछ हैंडक्राफ्टेड यहाँ पे रखा हुआ है और बस सकाफत शो करने के लिए। जी आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे एक ऐसा तालिबे इल्म मौजूद था जिसने अपने सकाफत को ज़िंदा रखने के लिए हैंडक्राफ्ट से जो बनाई हुई है जो चीज़ें यहाँ स्टॉल पर रखा हुआ है। जी